देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। एक तरफ हम भारत की ताकत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोलबाला बजने की बात करते हैं, एक तरफ हम भारत देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश बनाने की बात करते हैं, लेकिन वहीं जब हमारे देश से कोई सांप्रदायिक मामला सामने आता है तो ये काफ़ी हृदय विदारक होता है। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में। यहाँ से एक ऐसा ही सांप्रदायिक मामला सामने आया है। यहाँ पर आज हनुमान जयंती के दिन जो हिंदू ग्रुप है, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, इन्होंने ये आरोप लगाया है कि आज हनुमान जयंती के दिन इन्होंने बाइक रैली निकाली जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव किया, जिस वजह से ये जो छोटा सा मामला था ये काफ़ी हद तक बढ़ गया, जिस वजह से काफ़ी भारी पथराव हुआ और ये एक दंगे का रूप ले सकता था, लेकिन पुलिस ने समय पर आकर सारी जो स्थिति थी उसको काबू में लेकर आई पुलिस। और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या था पूरा मामला। मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या हुआ था, थोड़ा विस्तार से बताइए क्या था पूरा मामला। हुआ ये था सर, यहाँ से रैली निकाल रखे थे हम लोग, हमारे समुदाय के लोग रैली निकाली थी। तो आपके समुदाय यानी हिंदू समाज? हाँ। तो रैली निकाली गई थी तो आगे जाके एक चौक पड़ता है जहाँ पर रास्ता जाने का भी छोटा सा बना रखा है उन लोगों ने। पूरे रोड ऐसा कर रखा है कि पूरा मेन रोड है ये खूब खुला हुआ, उसको छोटी सी गली बना रखी है और उसमें से जाने के लिए रास्ता दे रखा बस। जी, मेरा नाम राजकुमार है और मैं इसी जीप लोक वाली गली में रहता हूँ। अच्छा। हुआ ये कि सुबह आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी हनुमान जी की, जो कि इस रोड से निकल के ये सी ब्लॉक का रोड है वहाँ की तरफ गई, तो वहाँ पे एक मस्जिद है, तो वहाँ पे मस्जिद में से कुछ लोग निकले जिन्होंने इस बात पे इनकार उठाया कि जय श्री राम के नारे यहाँ पे नहीं बोले जाएंगे, और उसी में उनकी भैंसा भैंसी हुई, मतलब बहस हुई दोनों के आपस में, और वहाँ से लड़ाई बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि वहाँ से उनके सारे जो मुसलमान थे, वो बांग्लादेशी मुसलमान एक्चुअल में है, वहाँ से वो सारे 500,000 की तादाद में यहाँ की तरफ आ गए और यहाँ पे लूट खसोट की, आगजनी की, गाड़ियाँ तोड़ी, आग लगाई यहाँ पे, पथराव किए, और यहाँ पे कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, सब लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। तो बाद में यहाँ से कुछ लोग उनको मारने, मतलब वापस से उनको गए मारने के लिए, तो वो वापस से और दुगनी संख्या में यहाँ पे आके उन्होंने तोड़फोड़ करनी चालू करी। अजय कुमार। अच्छा अजय कुमार, अजय जी क्या हुआ था? सर इधर जब बजरंग दल की शोभा यात्रा निकल रही थी तो ये मस्जिद की तरफ से वहीं से पहले इन्होंने साजिश के तहत उधर से आके पथराव कर दिया। कितने लोग थे? सर तब मैं आया था कम से कम इधर तो 1,000 से ऊपर लोग थे। उधर मेरे देखा मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, मेरी गाड़ी को उन्होंने पूरा नुकसान कर दिया। मैं यहाँ तक आया, यहाँ तक आते आते मेरे को भागने का भी मौका नहीं मिला, मैं इधर से सड़के से कूद के इधर से अपने घर में बच के भागू। इधर आग लगी हुई है, एक गाड़ी इनकी तोड़ी गई है, ये कोने वाली दुकान लूट ली गई है, पूरा गल्ला सब कुछ उन्होंने शटर गिरा के अपने, यानी लुटाई भी हुई है। हाँ, लड़के को मारा है वहाँ पर, उसको पकड़ के मारा है, सारी दुकानें लूटी गई है आसपास की, ये कुछ नहीं दिखाया गया। पुलिस लगभग कितनी देर के बाद आई थी? तो बहुत देर बाद आई है, पुलिस तो सब कुछ खत्म हो गया, पुलिस वाले 4-5 वहाँ खड़े हुए थे, सिर्फ चुपचाप देखते रहे थे, उसके बाद जब सब कुछ हो गया उसके बाद पुलिस आई है। अच्छा, अरे लेकिन उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं ये काफी शांति से रहते हैं, लेकिन वो बजरंग दल के बाहर के कुछ लोग थे जो आकर इधर पे उपद्रव मचा के गए। नहीं सर, सुबह सुबह एक यात्रा पहले निकली थी 12 से 1 की, जिसके बीच में मैं था, कुछ बजरंग दल वाले थे, जिसके अंदर मैं भी गया था शोभा यात्रा के अंदर, वो बिल्कुल शांति से बीती थी। और ये अब जो जे वाले थे ना, इसके अंदर मेरे हिसाब से सारे सीनियर लोग थे जिन्होंने निकालती, ये बिल्कुल शांत, बिल्कुल डंडा संडा जैसे जो होते हैं, बिल्कुल ही भारत माता की जय। कह रहे नंगी तलवारें लेकर घूम रहे थे सर, वो नंगी तलवार तो सर वीडियो देख, सीसीटीवी कैमरा देख लो, अटैक तो नहीं करा, कुछ नहीं करा, लेकिन उन लोगों ने तो करा, उन्होंने तो फायरिंग भी की है, उन्होंने तो फायरिंग करी, फायरिंग करने के बाद तो फायरिंग भी हुई है इधर पे, फायरिंग के बाद तो मैं भागूं यहां से, जब सारे हिंदू लोग पीछे हटे हैं, फायरिंग की है जब भी भगदड़ मची है। फायरिंग जानते हैं कितने लोगों ने की थी? फायरिंग सामने जो आपने देखेंगे थोड़ी अपनी जान बचा के सारे भाग रहे हैं, मतलब किसी एक इंसान ने फायरिंग की है या फिर कोई समूह था, पूरा ग्रुप था, सब पथरा तलवार सब जो मिला जिसको मिल रहा है मार रहे हैं, जिसको जो मिल रहा था चला रहा है। हाँ, जो मिल गया उसको मारना, जो गाड़ी मिल गई गाड़ी को तोड़ना, आग लगानी है, स्कूटी वो जली पड़ी है पूरी मेरी गली के बाहर, यहाँ देख लीजिए जाए रेडी भी आग लगा रखी है, गाड़ियाँ भी इन्होंने पार्किंग में खड़ी कर दिया, पूरी गाड़ी शीशे तोड़ रखे हैं। आप यहीं के रहने वाले जी? स्थानीय लोग हैं सर, लोकल बिल्कुल, ये हमारा घर है पीछे। अच्छा, तो यहाँ पर इतने सालों से जो है हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी दंगा नहीं हुआ, तो आज ये ऐसा क्या हो गया?
उन्होंने प्लानिंग थी तभी एक साथ इतने 500-700 या 1000 लोग इकट्ठा हुए हैं, नहीं तो एकदम से कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, उनकी पहले से कोई प्लानिंग थी? सबके साजिश है, जैसे हम न्यूज देखते हैं राजस्थान MP UP ऐसा शायद सच चल रहा है इधर भी। बाकी हम क्या बोले, आप देख रहे हो हम लोगों का नुकसान हुआ, चोट भी खाई है, इसके अलावा क्या बोले। और सब कुछ निकलता था, सब शांति से होता था, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना ये उसका असर है। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम जो दिखा रहे हैं ये उसका असर है। अच्छा। यानी आप जी, ये जो पूरा इधर पे उपद्रव मचा है इसका इसका जो जिम्मेदारी है आप सोशल मीडिया पे देते हैं? सोशल मीडिया है कि इन्होंने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है, कल को चार की भूखी की मुसलमानों ने, जो मोंडम है इन्होंने बहुत आतंक मचा रखा है। देखो हम यहाँ से रेडी लेके जा रहे थे, ये जो हनुमान जी की लेके जा रहे थे उन्होंने, हम यहाँ से लेके जा रहे थे, हम शांति से लेके जा रहे थे, ठीक है। इन्होंने पथराव करा, पथराव करने के बाद फिर हथियार लेकर आए, फिर मौज चलाई, शिक्षा चलाई, वहाँ पे शिक्षा चलाई, फिर उसके बाद हमने कुछ बोला तो फिर तलवार वाले लेके आके पूरे हजारों के हिसाब से आए थे, हजारों के हिसाब से आए थे, फिर यहाँ पे गाड़ी गाड़ी तोड़ी, एक गाड़ी वहाँ तोड़ी और एक गाड़ी यहाँ पे दिखाओ, एक गाड़ी यहाँ पे आग लगा दी, एक गाड़ी यहाँ पे आग लगा दी, ठीक है, एक गाड़ी यहाँ पे आग लगा दी और एक गाड़ी की वहाँ पे कार जला दी है। कौन करेगा भाई साहब, पहले बताओ, मैं आज गाड़ी जलाइए, कल को तो अभी जा सकते हैं बंदे, वो तो ये तो उसके लिए तो पुलिस है ना, प्रशासन है पुलिस वाले। अरे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले हमें ही बोल रहे हैं। अब ये देखो, अब सी ब्लॉक में एक जिप्सी दिखा दो, आप एक जिप्सी दिखा दो आप सी ब्लॉक में, यहाँ पे 100 जिप्सी खड़ी हुई है जी ब्लॉक में, हमें रोकने के लिए 100 सारे पथराव करके ना यहाँ पे सारी दुकानें बंद कर दी है। दुनिया को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं दी भैया आप बताओ ना। इतने इतने हजारों लोगों का जब हमला होता है तो यानी आपको क्या लगता है ये सब प्लान्ड था पहले से? भाई साहब पहले से प्लान था, पहले से प्लान था, हम थे 70-80 आदमी। सर ये जो पूरी हिंसा हुई है इस पर क्या कहेंगे सर आप? एक शांत धार्मिक जुलूस के ऊपर हिंसा करना ये किसी भी प्रकार से एक सभ्य समाज के लिए ये उचित नहीं है। ये जो हिंसा जगह जगह हो रही है इससे ये पता चलता है कि कोई जिहादी गठजोड़ देश के अंदर पनप रहा है जो इस देश को जबरदस्ती हिंसा में झोंकना चाहता है। अभी हमने पुलिस प्रशासन को कहा है कि इस जिहादी गठजोड़ का पर्दाफाश होना चाहिए, जो संबंधित लोग जिम्मेदार हैं उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि पुलिस और प्रशासन ने ठीक से उस अपनी जो उनका ड्यूटी बनती है उसको अंजाम नहीं दिया तो फिर समाज स्वयं देखेगा कि हमको इसके लिए क्या करना। भैया कितना कुछ नुकसान हुआ है थोड़ा बताइए, क्या नुकसान हुआ है? सर मैं इसका आकलन नहीं कर सकता, बाद में बता दूंगा, अभी कुछ नहीं पता है क्या हुआ इसका। सर जब ये सब हुआ तो क्या किया आपने, सबसे पहले क्या किया? मैं दुकान के अंदर बंद था सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख बबलू है, मैं जहांगीरपुरी सीडी पार्क मदरसे में रहता हूँ, इसका सदर हूँ। तो बबलू जी आज जो इतना हंगामा हुआ ये सब शुरू कैसे हुआ, क्या था पूरा मामला, शुरू से बताइए। सर शुरू ऐसे हुआ कि ये लोग रामलला था या हनुमान चालीसा जो भी था इनका, हमें हनुमान जयंती थी, हनुमान जयंती थी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना धार्मिक से अच्छे हो, हम अपने धार्मिक से अच्छे, ये हमारी सी ब्लॉक जो है काली मंदिर के पास से इनकी जुलूस आ रहा था, और जैसे ही जुलूस यहाँ 6:30 बजे के लगभग आया तो हमारे मस्जिदों में इन्होंने जबरदस्ती 5-7 लड़के शरारती क्या घुस गया क्या, उसके ऊपर जो है झंडा फहराने लग गया। जब झंडा फहराने लगा तो मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के आते, क्योंकि ये हमारा जो है रमजान चल रहा है जो एक महीने का व्रत होता है हमारे मुसलमानों का, तो हमारे मुसलमान भाई जब देख रहे कि वहाँ पर जाके जय सिया राम का नारा लगा रहे और नंगी नंगी तलवार घुमा रहे और गोली फायर कर रहे, ऊपर फायरिंग कर रहे और झंडा लेके ऊपर वो गुम्बज में हमारे लगाने जा रहे थे, तो उसी बात से जो हमारे कुछ लोग थे जो उसने उसको कहता कि भाई ऐसे शरारती क्यों कर रहा, आप लोग अपना हनुमान चालीसा है जो भी रामलला है जो भी है आप अपना सीधा चले जाइए। और उसमें सर जो है हम लोग ने हमारे लोगों ने उसको मना किया तो वही जो है थोड़ी दूती मैं होके लड़ाई स्टार्ट हो गई,
क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका रामलीला है या हनुमान चालीसा है, जो भी है आप अपना प्यार से मनाइए, और हम अपना रमजान जो ईद आ रहा है हम अपना प्यार से मनाएंगे। हमें कोई किसी ना हिंदू मुसलमान से कोई भेद नहीं है, हम तो भाई भाई रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग जो है इसके अंदर राजनीति अपना चमकाना चाहते हैं। सर सर हम ये कहना चाहते हैं, सबका तुले बंद कर, अभी सब चुप, अभी थोड़ा आराम से अभी बात कर रहे ना, पहले मामला हमारा कहने का मकसद है हम हिंसा नहीं चाहते, हम प्यार मोहब्बत चाहते, हमारा इस्लाम चाहता है शांति, हमारा इस्लाम चाहता है शांति, पूरा देश में शांति हो, क्योंकि हम चाहते प्यार मोहब्बत से। आज हम 70 साल से हमारे पुरखों ने यहाँ जन्म लिया और हम भाईचारे के साथ रहते हैं, यहाँ कोई लड़ाई दंगा नहीं। 1984 के अंदर जब बाबरी मस्जिद कांड हुआ यहाँ सब जगह दंगा हुआ, लेकिन जहांगीरपुरी ऐसी चीज है यहाँ हिंदू मुसलमान एक होके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि क्यों आपने भाई भाई में खून खराबा करे, हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हम जो एक महीने से व्रत रख रहे हैं हम अपने ईश्वर को अल्लाह को राजी करने के लिए, आप अपना रामलीला क्या कहते हैं हनुमान चालीसा जो भी हो आप अपना कर रहे हैं, हमें कोई दिल हमें आपसे कोई रुस्वा नहीं है, लेकिन रुस्वा इस बात का हमें गम हो रहा है, हमें फिक्र हो रहा है कि हमारी मस्जिदों में आके आप झंडा फहरा रहे हो, ये कहाँ की दस्तूर है बताइए आप लोग, ये कहाँ का कानून है। लेकिन जब हमने वहाँ के लोगों से बात की यानी हिंदू समुदाय के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले पत्थर बरसाए हमारी रैली। सर हम नहीं बरसाए, बस हमने ऐसा नहीं किया सर, देखिए सर हम जो है नमाज पढ़ के हम लोग निकल रहे हैं, हमारे लोग नमाज पकड़ के निकल रहे, बताइए एक धार्मिक स्थल से हम लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, हम कैसे पत्थर बरसा सकते हैं। उनके शरारती लोग जो है 2-3 हजार आदमी थे, उन लोग जुलूस लेके नंगी तलवारें घुमा रहा है, और निकली थी तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला ना, हमारे मुसलमानों ने किसी ने भी कुछ नहीं बोला, तो अभी फिर ऐसा ये हंगामा क्यों कर रहा, अब हमारे बच्चे भूखे प्यासे पड़े भी अच्छा लग रहा है क्या आप लोगों को, ये होता हम कितने परेशान है, मंडी नहीं जा सकते, दूध नहीं है, पानी नहीं है हमारे घर में। सुनने में ये भी आया है कि आंसू गैस के गोले छोड़े, कुछ भी नहीं छोड़ा, ये पुलिस वालों ने छोड़ा है, ये पुलिस वालों ने छोड़ा है हमारे यहाँ पे, यही पे छुटा आंसू गैस मंदिर के अंदर भी गया। कितने लोग घायल हुए इस पूरे मामले में? इसमें सर कम से कम 5-6 घायल हुआ है। अच्छा, जो हम अपना प्राइवेट में उसमें हॉस्पिटल में जो यहाँ थानी जो हॉस्पिटल डॉक्टर हैं उनसे हम दिखवा लिया, किसी का हाथ छिल गया, किसी का पैर छिल गया, ये बेचारा एक हिंदू है, ये हिंदू है हमारा, आपका नाम ये बहुत बढ़िया बताइए, छोड़ा ना सुबह तो उस बच्चे का यहाँ लग के उस साइड हो गया, वो बच्चा मेरे पर गिरा, ये बच्चा हिंदू है हमारा, बहुत बढ़िया है बता, हम लोग सब एक साथ रहते हैं सर। लेकिन भैया जैसे आप इधर पर हो, आगे आइए आप, आगे आइए, आगे आइए, आप नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम संजय है। अच्छा संजय जी, संजय जी एक बात बताइए, जैसे एकदम निष्पक्ष तौर पे बताइएगा कि देखिए उधर के समुदाय के लोगों ने यानी हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने ऐसा कहा कि हम पर पत्थर बरसाए गए, ठीक है, इधर पर जब हम आए तो मामला कुछ और ही मालूम पड़ा कि यहाँ पर पहले नंगी तलवारें जो हैं लहराई गई, मस्जिदों के अंदर जाकर तोड़फोड़ की गई, तो आप एकदम निष्पक्ष तौर पे बताइए क्या हुआ था, क्या पत्थर बरसाए गए थे पहले या पहले मस्जिद के अंदर घुसा गया था लोग? मस्जिदों में सब नमाज पढ़ के जो आ रहे हैं अब वो लोग उधर से नंगी तलवार लगे पूरे जय श्री राम का नारा लगाते हुए आ रहे थे, अचानक उसमें से 2-4 बंदे जो शरारती हैं झंडे वंडे लेके अंदर चले गए, उसी बीच में ये तुतुमी बढ़ गई, 2-4 लोग थे यानी, हाँ उस बीच में तो उस 2-4 बंदे मतलब जो थे अंदर घुसे तो उसी में उनका दोनों में थोड़ा तो तुतुमे में हो गए, उसके बाद फिर ये बढ़ते बढ़ते हंगामा तेज हो गए। और हमारे इलाके में कितना कुछ बिगड़ा है, कितने बच्चों को चोट लगे, कितने बड़ों को चोट लगा है, हम सारे परेशान हो रहे हैं, रोटी पानी कुछ ना खाइए हमने किसी ने, हालत खराब हो रही है, सारे पहन के घुस गया एकदम, बोला जी बोले कि ऐसा मत करो तो कहीं करेंगे हम, तो कितनी गलत बात है जी। अच्छा भैया इतने सालों से जैसे आप लोग सब लोग एक साथ रह रहे हैं, इससे पहले भी कभी ऐसा कोई मामला सामने आया? ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है, तो पहली बार क्यों, मतलब ऐसा क्या बदल गया इतने सालों में जो कभी नहीं हुआ आज वो हो रहा है? ये तो हम लोग खुद ही सोच रहे हैं, नेता
प्रधान करवा रहे हो और आम पब्लिक लड़के मर रही है और कुछ नहीं हो रहा। नेता प्रधान सब अपने अपने घर में, वो लोग जो दो चार यंगस्टर है आज के, थोड़ा पी खाने के बाद वो सब भूल जाते हैं। वो लोग जो थोड़े से यंगस्टर है, बाकी पुराने लोग आगे आ जाइए आप, भैया थोड़ा करते हैं ऐसा। नाम क्या है? नाम बता। मेरा नाम जहांगीर है। अच्छा, जहांगीर। जो आजकल के नए यंगस्टर, जो नए नौजवान लड़के हैं ना, वो ऐसा करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा वो करते हैं। बाकी जो पुराने लोग हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते। क्यों? मेरे को भी यहाँ 30-32 साल हो गया, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, अभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। नंगी तलवारें जा रही है घूमती हुई, 2000 बंदे जा रहे हैं, और जैसे नारा लगाओ कुछ भी करो, उससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानबूझ के पैर पे पैर रख के लड़ाई करोगे तो हम भी चुप रहने वाले नहीं है ना। हमारी तरफ तो सब कुछ हुआ, गोले भी फेंके गए, फायरिंग भी करी गई, उस तरफ कुछ भी नहीं हुआ। हिंदू समुदाय की तरफ पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, वहाँ पे जो भी जुलूम हुआ हमारी तरफ ही हुआ। ये 30-32 साल में पहली बार पहली बार हुआ आज ही है। पहली बार हुआ। जी 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 जी। पुलिस वाले उनका साथ दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्यों दे रहे हैं बताओ? 20-60 जाए, क्यों दे रहे? दोनों लड़ने दो। अच्छा, हाँ अगर ले तो ताकत नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर तो कितनी जाने कितनी लाश है। पुलिस वाले, पुलिस को तो बीच में आना पड़ेगा, तो पुलिस वाले को दोनों समझाना चाहिए ना। दोनों तरफ। हेलो ठहरो भाई, प्लीज। वो तो बाहर से आए थे। पुलिस वाला क्या कर रहे भाई? तुम अपना रैली खत्म कर रहे, तुम लोग लड़ाई ठहरो ना यार, एक जने को रैली खत्म करके अपना घर जाओ। वो भाग रहे नहीं है, वो उधर खड़े हुए सारे, पुलिस बीच में सिक्योरिटी बनकर खड़ी हुई है। हम अपने इलाके वाले हम देख रही हूँ और हमें मारा जा रहा है। यानी पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, आपको पिटवा रही थी। जाना चाहिए, जब उनको भगाना चाहिए भाई। तुमने रैली खत्म, तुम्हारा नवरात्रियों का अपना घर जाओ, ये इलाके वाले सुधर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ तक बम के गोले फेंके जा रहे हैं, हाथों गोले फेंके जा रहे हैं। क्या हम कहा जाए, हम तो रहते ही यहाँ। लेकिन जो अदर्स थे वो बाहर बाहर से आए हुए थे, वो यहाँ के नहीं थे सारे। अच्छा, जो लड़के थे वो यहाँ के नहीं थे, सब बाहर का। कोई भाई, मेरा भाई यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम है, ये पूरी गली हिंदू है, पूरी गली हिंदू है। हम सब मिल बांट रहते हैं। ये पूरा चुकी मंदिर आधा चार चुकी हिंदू का है, आधा चार चुकी हिंदू का है, सारे सही है, मुस्लिम है। लेकिन हमारे में आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन इधर की मंदिरों में भी सब आरएसएस वाले सब रोज शाम के टाइम पे बैठते, लेकिन हमारे इधर से कोई भी कुछ नहीं बोलता उनको। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना जो भी करते, लेकिन लड़ने को तो किसी ने नहीं बोला ना। फिर हमने लड़ो क्यों? हम तो लड़े भी। रोज शाम के टाइम पे उन लोग जय श्री राम के नारे लगाते, तो हम लोग तो कोई कुछ बोलते नहीं है। अच्छा, और एक बात भाईजान, भाईजान प्लीज, और रुको भाई, भाई हमारा कहना क्या है भाई, अब तो कानून को जाग जाना चाहिए और बजरंग दल पे बैन लगाना चाहिए, पूरा बैन। जब कोई जब मुसलमानों की पार्टी पे बैन लगा रहे तुम, तो बजरंग दल पे बैन लगाओ। नहीं तो जब हमने, आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, और वहां पर जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि ये जो एरिया है ये मिनी पाकिस्तान है। अच्छा, एक बताइए, यहाँ पर कहीं आप बताइए, यहाँ कहीं बांग्लादेश का झंडा लगा है? सामने ठहरना यार, यहाँ कहीं बांग्लादेश का, अबे फिर यार मंदिर की, यहाँ कहीं पाकिस्तान का छोड़ो, बांग्लादेश का झंडा दिखा आपको कहीं? नहीं, वो तो आप बताएंगे ना, मैं क्या बताऊँ? वो तो करो ना। ये रहा, ये देखो यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, और देखो चाबी मेरे पास है, मैं खोल के अंदर जाता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, सलाम दुआ होती है। और इसके पीछे भी दो मंदिर है, इसका पीछे दो मंदिर है, आगे भी मंदिर है। ठहरना, वो सामने चलो, काली मंदिर है बहुत बड़ा, मस्जिद के साइड में, जो मस्जिद पे हमला करा उन्होंने, वो जो मस्जिद पे हमला करा, उस मस्जिद के साइड में काली मंदिर है, 40 साल से है, वो तो लड़ते नहीं, ये बाहर से क्यों लड़ रहे हैं? बाहर के लड़के हैं। अभी भी जो इधर के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें आपस में प्रेम है, लेकिन बाहर के लोग आके अराजकता फैला रहे हैं। हमारा आपस में कोई लड़ाई नहीं। बजरंग दल को बयान लगना चाहिए, भारतीय कानून को जागना चाहिए, और मैं चाहता हूँ आवाम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज क्या सो रहे हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये ऐसा ना हो। इससे पहले भी हनुमान नवरात्रि का रैली निकलता था भाई, वो प्रसाद बांटते थे, ढोल बजाते जाते थे। इस बार देख रहा हूँ तलवार, फरसा, बंदूक, ये वो चक्कू लेकर लड़के घूम रहे पीपी के, और सारे नशेड़ी कर रखा सबने। ये माजरा क्या है, ये क्यों दूसरे को हमको टारगेट कह रहा है? जहांगीरपुरी पैर में पैर रखे, ये जो आयोजक थे ना, ये जो रैली के आयोजक थे, उन पे शिकंजा कसना चाहिए। उनपे शिकंजा कसना चाहिए, बिल्कुल FIR उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सब मुसलमानों का नाम आ गया, बताओ कितनी गलत बात। खाली मुसलमान ही मुसलमान गलत है, मुसलमान हर मुसलमान आतंकवादी रोल में नहीं, हर मुसलमान आतंकवादी है। देखिए देखिए देखिए, कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है। अब ये भैया आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? राजू। राजीव भैया, इधर पे अलग अलग जो है, हर कोई अपनी अपनी दास्तान सुना रहा है, आप क्या बोलेंगे? नहीं जी भाई, हम तो यहाँ बहुत बड़े प्रेम से रहते हैं। अच्छा। आज से नहीं, बचपन से रह रहे हैं। अच्छा, अच्छा।
हमारे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना इनसे दिक्कत है, किसी दिक्कत नहीं है, बड़े प्रेम से रहते हैं। यानी स्थानीय लोग सब ठीक हैं, बाहर के लोग आके अराजकता फैला रहे हैं। ये देखो, ये भी ये इनका यहाँ पे दुकान है, रेडी लगता है, ये भी इनसे पता करिए सर, ये बताएंगे अपना दास्तान जो बोलना था। यहाँ पे जितने भी स्थानीय हिंदू है ना, उनसे पता करिए, उनको कभी भी भाईचारे के अलावा लड़ाई झगड़ा दंगा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो बाहर से आके जनाब ये सब दंगा फसाद कर रहे हैं ताकि यहाँ पे एकता ना रहे हिंदू मुसलमान में, बोले इनमें दंगा फसाद हो। हम उनको जानते भी नहीं है, कहाँ से आए नहीं आए, अच्छा एक आखिरी अपील है आप लोगों से। अभी ये जो इतना बड़ा पूरा हादसा हुआ, इसके बाद कोई कुछ अपील करना चाहेंगे? इधर पे इतने लोग आपको देखेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे, एक बार बता दीजिए। हम तो ये कहेंगे कि ये लड़ाई ना हो, हम मिल बांट के रहना चाहते हैं, बाहर के कोई ना आए यहाँ पर लड़ाई करने के लिए। और ये जो पुलिस वाले, ये SHO, ये सब जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। टीवी में दिखाया जा रहा है कि बजरंग दल का वो जा रहा था और उन पे पथराव किया। आप जाके वहाँ पे इंक्वायरी करिए और बहुत बेतरीके से आप वहाँ से बयान लीजिए, वो बता देंगे। पुलिस के रहते हुए उन्होंने पथराव किया और वहाँ पे मस्जिद में घुस के और जय श्री राम का नारा लगा रहा मस्जिद में घुस के। आप बताइए हमारे उसमें, हम अगर किसी मंदिर में जाके ऐसा बोले तो कोई हिंदू बर्दाश्त करेगा? ये तो रोजा खोलने का टाइम है सब। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की, इन्होंने बताया कि स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पर काफ़ी प्यार से रहते हैं, इनमें काफ़ी एकता है, लेकिन वहीं जो बाहर के लोग हैं वो आकर यहाँ पर हिंसा करते हैं, यहाँ पर भीड़ को उकसाते हैं और यहाँ पर अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों में शेयर करें, हर जगह शेयर करिए, जिससे कि ये जो पूरा मामला है, इस तरह के सांप्रदायिक मामले जो हैं ये इस तरह से टल सकें। और ऐसे ही अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।